हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होकर और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो सुबह सुबह उठ के मैं आपका कमेंट्स पढ़ने आ गई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे वीडियो फुल वॉच करोगे और अपने अपने कमेंट्स को सुनोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा जैसे मुझे अच्छा लगता है रोज़ आपके कमेंट्स पढ़ना। और बहुत मज़ेदार कमेंट्स फ्रेंड्स आप लोगों ने दिया है, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए ना, मुझे पढ़ के मुझे इतनी हंसी आई किसी किसी कमेंट्स में कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं रेडी हो रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ अपने कमेंट्स पढ़ना, तो आप लोग भी रेडी हो जाओ। तो पहला नाम मैं लूँगी उषा भाटिया जी का। नमस्ते उषा जी, आपने लिखा है, नागिन बहुत खतरनाक है, समर को नहीं छोड़ेगी, गंदी औरत कभी नहीं देखी। सही बात है उषा जी, मैंने भी ऐसी गंदी औरत नहीं देखा। मतलब ये लड़की चाहती क्या है मुझे समझ में नहीं आता। एक जन के साथ अगर तुम रहना चाहती हो तो तुम इसको ध्रुव को तो डिवोर्स दो, ऐसे तुम तो उसको फंसा रखी हो पूरी की पूरी। एनीवे उषा जी, थैंक यू सो मच मुझे कमेंट करने के लिए। दूसरा नाम मैं लूँगी सिल्विया किंडो जी का। हेलो सिल्विया जी, आपने लिखा है, येस यू आर राइट, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। फिर मैं नाम लूँगी तारा बहन ठाकुर जी का, उन्होंने लिखा है, यू आर राइट, गुड जॉब, थैंक यू तारा जी। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी रेहाना चौधरी जी का। रेहाना जी ने लिखा है, थैंक यू सो मच मैम, सो स्वीट, थैंक यू फॉर द सपोर्ट रेहाना जी ऑलवेज। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी विमला अग्रवाल जी का। नमस्ते विमला जी, आपने लिखा है करेक्ट 100%, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी रमेश चंद्र पांडे जी का। रमेश चंद्र पांडे जी लिखा है, गुनगुन इज सो कनिंग एंड सेल्फिश दैट शी कैन स्पॉइल द लाइफ ऑफ एनीबॉडी लाइक ध्रुव एंड राधिका। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, गुनगुन इज वेरी कनिंग, वेरी वेरी कनिंग, बट व्हाट शी वॉन्ट्स, व्हाट शी नीड्स, आई डोंट थिंक सो she knows by herself also what she needs. Thank you Ramesh ji, thank you for supporting me always. Then mera naam rahega Ratna Basu ji. Namaste aunty, kemon achen apni? Ami aunty Kolkatay thaki আর আপনি বোধহয় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আর আমার খুব ভালো লাগলো সেদিন আপনার কমেন্টটা পড়ে, আমি মানে কেঁদেই ফেললাম। তা আজকে আপনার কমেন্টটা পড়ছি। আপনি লিখা হ্যাঁ বেটি তুমারা কহনা একদম ঠিক হ্যাঁ, লেকিন হমে লগতা হ্যাঁ গুনগুন সে ডিভোর্স পানে কে লিয়ে ধ্রুব কো আর এক কেস করনা পড়েগা, নহি তো ইন্তজার করনা পড়েগা, জব সমর রাধিকা কো ডিভোর্স দেগা, দেখতা গুনগুন ভি ধ্রুব কো ডিভোর্স দে দেগি। मे बी हो सकता है आप सही हो, क्योंकि वो अभी तक समर ने राधिका को डिवोर्स नहीं दिया है, तो वो वेट कर रही होगी, अगर समर राधिका को डिवोर्स देता है तो मैं भी ध्रुव को दे दूँगी। मे बी आंटी आप राइट हो, क्योंकि ये लड़की बहुत चतुर है, ये अपने दिमाग से बहुत काम लेती है और इसके दिमाग से समर चलता है, तो इसीलिए वो जेल में भी चला गया। थैंक यू आंटी, थैंक यू ऑलवेज मुझे सपोर्ट करने के लिए, सबसे पाशे दाड़ी थकबे, खूब भले लगे आपने मुझे मैसेज करें। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी वनीता ठाकुर जी का। नमस्ते वनीता जी, सॉरी मेरे बैकग्राउंड में ना डक्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है, क्योंकि मेरे ये गलती है, मैंने इनको पाल के रखा है, तो अभी इनकी आवाज़ से मैं खुद परेशान हो जा रही हूँ, पर कुछ नहीं कर सकते, ये भी बच्चे हैं मेरे। तो वनीता जी आपने मैसेज लिखा है, ये गुनगुन की चलाकी है कि समर छूट जाए और फिर से उसके साथ रहने लगे, तो गुनगुन की केयर करने वाला सिर्फ समर ही है, समर का बच्चा भी पलता रहे, राधिका ये ड्रामा रोज रोज देख कर खुद ही चली जाएगी। सही है, इसीलिए तो वो ये सब पैतरेबाजी अपना रही है ताकि समर बाहर निकले, उनका पैम्परिंग चालू रहे, उनके बच्चे को अभी आना हो, और फिर राधिका क्या, राधिका तो है ही काम वाली, अभी आज है कल नहीं है। थैंक यू वनीता जी, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी तारा ठाकुर जी का। नमस्कार तारा जी, आपने लिखा है, ये गुनगुन बहुत ही शातिर है, इसने समर के पूरे परिवार को खा जाएगी, अगर समर का पापा भी बीमार होगा तो इसका मतलब इसको भी बता दिया होगा समर की मम्मी ने, बेचारा वो तो ठीक लगता था, अच्छा भी था, समर की मम्मी चाल खेल रही थी ना बताने की, गुनगुन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसकी वजह से सब मर जाए, एक के पीछे कितने लोग परेशान, जैसे कर्म करोगे वैसा भरना पड़ेगा, राधिका ने तो बहुत मौके दिए पर ये टस से मस नहीं हुए, समर को यही गलत फहमी थी कि राधिका कुछ नहीं कर पाएगी, जब किसी को इतना तंग करोगे तो कौन चुप बैठेगा, समर का पापा तो बेचारा राधिका से अच्छे से मिला भी नहीं, उतने को तो बेटे ने और ही कांड कर दिया,
आप एकदम सही लिखे हो, एकदम सही, क्योंकि समर के पापा हो सकता है समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि समर ने क्या करतूतें किए हैं, इसीलिए वो भी बीमार पड़ गए होंगे। और गुनगुन ये सब चीज़ का फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि गुनगुन को तो सिर्फ समर चाहिए, समर का साथ चाहिए, ना कि समर के पापा मम्मी से उसको लेना देना है। हाँ, समर के घर में रहने के लिए बेशक वो समर की मम्मी की बीमारी को ढाल अब बना रही है। थैंक यू तारा जी, थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी रज़िया खान जी का। नमस्ते रज़िया जी, आपने लिखा है गुनगुन तीसरी सफ़ी होगी तब ये, अच्छा तीसरी शादी होगी तब ये दूसरे पति को तलाक देगी। पहले को दी दूसरे शादी में और दूसरे को देगी तीसरे शादी में, ये एकदम करेक्ट आपने कहा। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी पद्मा गायकवाड़ जी का। पद्मा गायकवाड़ जी नमस्ते, आपने लिखा है गुनगुन आशिक अमित साहब कहाँ पर हैं। अच्छा हाँ, उनके आशिक कहाँ हैं, सामने ही नहीं आ रहे। अब बाल बाल बच गए साहब, इस तरह की शादी लड़की शादी नहीं हुई। सही बात है, मैं तो शुरू से ही बोल रही हूँ अमित बच गया गुनगुन के चंगुल से, मैं तो आज ध्रुव की जगह अमित होता। और जानती हैं अमित को उसने क्यों नहीं चुना, क्योंकि अमित तो कनाडा ले जाता, वहाँ तो समर से नहीं मिल पाती। और ध्रुव को उसने जानबूझ के चुना ताकि वो दिल्ली में ही रह सके और समर से मिल सके। ये सब प्लानिंग थी इनकी, सब प्लानिंग। एक सारे प्लानिंग में सिर्फ अंकित ही था उसका भाई, जो बार बार बोल रहा था कि नहीं शादी नहीं होना चाहिए, ये लड़की घर नहीं जोड़ के रख सकेगी, ये लड़की नहीं शादी में स्टेबल रह पाएगी। एकदम उसके भाई ने ही करेक्ट कहा था, जो मुझे गलत लगा था। थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी मैरीना सी एच मैरिज जी का। हेलो, आपने लिखा है गुनगुन का चाले गए सब पूरे फैमिली को उल्लू बना रही है, समर भी सबसे माफ़ी मांग के सोच सच बोलकर वो बाहर आ सकता है। नहीं, ये लोग नहीं माफ़ी मांगेंगे, इन्होंने कुछ गलती ही नहीं की है तो माफ़ी किस बात की। इनको माफ़ी मांगना ही नहीं है, ना समर को माफ़ी मांगना है किसी से, ना गुनगुन को एडमिट करना है कि ये बच्चा किसका है। ये लोग दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू मुझे मैसेज करने के लिए मैरियन जी। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी शांति लाल चौहान जी का। शांति लाल चौहान जी नमस्ते, आपने लिखा है समर को दो लड्डू चाहिए तो गुनगुन को भी दो चाहिए, आगे समझ जाना। समझ गई मैं। थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। सूफिया तस्नीम जी नमस्ते, आपने लिखा है हाँ मैडम आपने सही बोला, गुनगुन बहुत गिरी हुई लड़की है, गुनगुन की जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, मैंने भी आज तक नहीं देखी। सच में ये लड़की को मैं पहली बार ऐसी देख रही हूँ कि हाय हाय, एक शादी किया टूटा, दूसरी शादी की उसको तो खुद तोड़ के बैठ गई। थैंक यू सूफिया जी मुझे हमेशा मैसेज करने के लिए। अब मैं नाम लूँगी कंचन अग्रवाल जी का। कंचन अग्रवाल जी लिखी यस यू आर राइट, गुनगुन नागिन है, वो कभी नहीं जाएगी, बस ये कहेगी आई एम गोइंग, 4 डेज के बाद फिर आ जाएगी, जेल में क्यों नहीं गई, जेल में नहीं जा रही है। हाँ वेरी गुड, आपने जो बोला सही बोला, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच कंचन जी, आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं नाम लूँगी अमृत कौर जी का। नमस्कार अमृत जी, आपने लिखा है गुनगुन तुम बोल रही हो, जिसका बेटा जाता है पता उसको होता है, समर की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबल तुम हो, और चोपड़ा साहब का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा है, सही में वो किसी को नज़र नहीं आ रहा है, जिनकी बेटी की लाइफ तेरी वजह से ख़राब हो रही है। सही बात है, इन लोग किसी को उनकी रोने की वो नहीं हो रही है। मगर एक बात कहूँ अमृत जी, आज अगर राधिका के पापा थोड़े स्ट्रिक्ट होते ना, अगर राधिका की शादी तब कराते जब समर गुनगुन की डिवोर्स हो जाती, तब ये नौबत तो नहीं आती। पर क्या है, ये होना था, होने को कोई टाल नहीं सकता। और गुनगुन जो शातिर लड़की है, वो डिवोर्स आगे लो या बाद में लो, वो लड़की अपने काम जो अंजाम देना है वो काम को तो अंजाम देती ही देती। अमृत जी थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी सोफिया तस्लीम जी ने फिर लिखा है मैडम हमारा युवान कैसा है। अरे आपका युवान बहुत ठीक है भाई, इतना बदमाशी करता है, देखिए कल रात को मेरे को यहाँ नोच दिया है, मेरे यहाँ स्क्रैच मार्क हो गया है, मैं कुछ नहीं करती, ये शक्ल लेके मैं किसको दिखाऊँ, शक्ल लेके मैं कहाँ जाऊँ, ऐसे ही मेरी शक्ल बिगड़ी होती है आजकल, और अभी शक्ल तो और बिगाड़ दे रहा है ये लड़का मेरा। फिर मैं नाम लूँगी दुर्गावती मिश्रा जी का। नमस्ते दुर्गावती जी ने लिखा है बहन गुनगुन बहुत बिगड़ी है, बहुत बिगड़ी हुई लड़की है, वो शुरू से बहुत बिगड़ी हुई लड़की है।
थैंक यू दुर्गावती जी मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी नीलकला तमंग जी का। नमस्कार नीलकला जी, आपने लिखा है गुनगुन बहुत जेलस लड़की है, अब ध्रुव को डिवोर्स नहीं देगी क्योंकि राधिका को साथ देखा है, जलन हो रहा है। पहली समर को साथ राधिका थी, ऐसी हाल था। इस ये क्या चाहती है ना, इसको खुद नहीं मालूम नीलकला तमंग जी, इसको खुद नहीं मालूम। ये लड़की बहुत दिमाग से तेज है, ये अपना पॉलिसी खेल के अपना प्लानिंग प्लॉटिंग करके फिर ये अगले से बात करती है कि अगला क्या बोलता है। थैंक यू मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र SB4CM8SB5N का। इन्होंने लिखा है गुनगुन एक नंबर की जंगल में रहने वाली लोमड़ी है, जंगली जानवर है। जंगली जानवर छूट चुकी है, इधर उधर दिल्ली के रास्तों में घूम रही है। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी कमलेशा देवी जी का। नमस्ते कमलेशा देवी जी, आपने लिखा है गुनगुन बहुत गंदी लड़की है दी। सही बात है, मतलब वो अपने आप को ऐसा बना ली है, ये ऐसे बना लिए ना वो कि कोई कुछ नहीं कर सकता है। अपने आप को कम से कम उसको ठीक रखना चाहिए था, पर वो अपने आप को ठीक नहीं रख सकती। थैंक यू मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी गदवाली रावत जी का। नमस्ते, आपने लिखा है गुनगुन को तो जेल में सड़ना चाहिए, चुड़ैल गुनगुन सब यूट्यूब वाले गिन गिन के जूते लगाए तब होश में आएगी, चुड़ैल दिमाग खराब कर दिया सबका, चुड़ैल ने एक नंबर की चुड़ैल है गुनगुन को। हाय हाय कितना चुड़ैल कितना चुड़ैल। ये लड़की ऐसे गालियों खाने वाले जैसे काम की है ना, इसीलिए हम जैसे सारी इनको बाहर की जनता इनको गालियाँ ही दे रही है, और ये गालियाँ खा भी इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप देख रहे हो कोई फ़र्क पड़ रहा है गुनगुन को? कुछ नहीं, उसको है कि मैंने जो किया सही किया, जो दुनिया बोल रहा है बोलने दो। और समर का भी तो यही कहना है। थैंक यू गदवाली रावत जी, आप मुझे सपोर्ट करते हो। अच्छा, आपने और एक मैसेज किया है, आपने लिखा है इसको बस समर चाहिए और कोई नहीं, बस समर चाहिए चुड़ैल को। हाँ, इसको तो समर ही चाहिए क्योंकि वही एक इंसान है जिसको ऐसे ऐसे करके पैम्परिंग कर सकता है, और कोई भी नहीं। फिर नाम भी कृष्णा सुवेदी जी का। कृष्णा सुवेदी जी ने लिखा है ये गुनगुन समर की रखेल है। ये एक्चुअली इतना समर के साथ डूबी हुई है, समर से इतना प्यार करती है कि ये प्यार इसको तब नज़र नहीं आया जब ये खुद समर से शादी हुई की हुई थी। एनीवेज, आपने मुझे मैसेज किया सुवेदी जी, थैंक यू सो मच कृष्णा जी। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी अनिल सिन्हा जी का। अनिल सिन्हा जी लिखा है गुनगुन को तीन तीन पोती चाहिए, समर को कम से 10 साल जेल होना चाहिए। 10 साल तो जेल होगा नहीं, पर पता नहीं देखिए क्या होता है समर का। पर ये दोनों इतने शातिर हैं, कुछ भी करेंगे, कभी भी करेंगे। अनिल सिन्हा जी, थैंक यू सो मच, मुझे हमेशा मैसेज करें। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी दीपाली कैचिक जी का। नमस्ते दीपाली जी, आपने लिखा है गुनगुन एक शातिर लड़की है, समर की तरह उसको भी दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। सेक्सी ड्रेसेस पहनना और समर को जेल से छुड़ाने के लिए गोल मोल बातें करना, पता नहीं इसकी माँ ने क्या खाकर पैदा किया है। पता नहीं, सच में दीपाली जी हद हो जाती है ऐसी लड़की को देखते देखते। मतलब ये इतनी रकम की बात कर लेती है और इसको पता है कि कैसे लोगों को पटाना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। मतलब ये मतलब बहुत हाई टाइम हो जाता है इसको देखते देखते। मतलब ऐसा लगता है कि बापरे, मैं इससे अच्छा मैं इसको इतना झेल रही हूँ, ये अपने लिए कुछ सोचे या तो हमारे लिए कुछ सोचे कि हमें कुछ आंसर दे देंगे। दीपाली जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी डॉक्टर ओस्मान अली खान जी का। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपने लिखा है मैडम हम सब जानते हैं गुनगुन के पेट में समर का बच्चा है, गुनगुन इतनी शातिर है कि किसी भी हाल से समर को जेल से निकाला जाए, इसलिए एक एक प्लान बनाती रहती है लेकिन उसकी कोई प्लान काम नहीं कर रही है। मैडम बदतमीज समर और गुनगुन ने एक दूसरे से वादा किया है कि कोई भी पूछे ये, कोई कितना भी परेशान करे कभी मत बताना कि ये समर का बच्चा है। हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। ये लोग जैसे हैं इंसान, इन लोग को बात छुपानी अच्छे से आती है, ये जानते हैं कि हमें कैसे क्या बोलना चाहिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी शशि शुक्ला जी का। नमस्ते शशि जी, आपने लिखा अरे बहन जी ये बहुत सारी लड़की हैं, बहुत शातिर दिमाग है, इसमें राधिका की ज़िंदगी बर्बाद किया है और कुछ नहीं। सही बात है, इसने तो राधिका की ज़िंदगी बर्बाद की ही है। राधिका
शादी हो गया है समर से, अब क्या ज़रूरत है तुमको अपना गुनगुन को कि ध्रुव का घर छोड़ के फिर इसके घर में आना, इसके घर में बैठना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। एनीवेज थैंक यू सो मच, आज मेरा कमेंट यही पूरा होता है। और मैंने जिसका नाम नहीं लिए तो उन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया, मुझे उनका मैसेज मेरे कमेंट नहीं मिला, जैसे कि ब्रजेश जी आपका मैसेज नहीं था तो आपने मैसेज मुझे नहीं किया, आप मुझसे नाराज़ हैं शायद, तो मैं कान पकड़ती हूँ और बोलती हूँ आपसे सॉरी भैया, मैं देख के ध्यान रखूँगी कि आपका मैसेज आया है कि नहीं। कल आपके दो वीडियोज़ में से एक वीडियो मैसेज मुझे मिला था, एक में नहीं मिला था, इसलिए मैं आपका एक ही वीडियो में पढ़ी थी, तो प्लीज़ आप नाराज़ मत होइएगा। और सुनंदा कोठारी जी का भी कोई मैसेज नहीं है, पर नमस्ते सुनंदा जी, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, मेरे लिए वही बहुत है, कमेंट करो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज अपना फ्रेंड्स अपना यहीं कमेंट में ख़त्म करती हूँ, यहीं पे अपना वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे ऐसे प्यार ऐसे सपोर्ट करते रहोगे, तब तक के लिए बाय बाय।